यीशु मसीह की जय हो। एक बार फिर हम सब आप सबसे मिल पाते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मुताबिक। हम एक बार फिर यीशु मसीह के नाम, उनके जय जयकार करने, उनके गुणगान करने इस वक्त हम इकट्ठा हुए हैं। पर ये ना सिर्फ कि हम सिर्फ इकट्ठा हुए हैं, उनकी उपस्थिति पवित्र आत्मा इस वक्त हमारे साथ है, यहाँ पर वो अपना काम कर रहा है। आप में से कितने लोग यकीन करते हैं कि पवित्र आत्मा और उनका उपस्थिति इस वक्त यहाँ पर है? मेरे साथ बोलिए आमेन, आमेन। यीशु की जैसा प्रेम करने वाला और कोई नहीं है। वो हमारे जिंदगी को संभालता है। जब हम गिरते हैं, जब हम उनसे दूर चले जाते हैं, वो हमें संभालता है। उनके जैसा योग्य कोई नहीं है। इस दुनिया में हमें जो भी मिले, या हम किसी से भी मिले, किसी से भी हम उनको नहीं कह पाते कि वो मेरे यीशु की जितना योग्य है। वो सब यीशु के मुकाबले सब कोई भी योग्य नहीं है। वो सबसे आराध्य है। वो देवों का देव, राजाओं का राजा है। और सिर्फ उनके नाम लेने से ही, सिर्फ उनके नाम लेने से ही शैतान भागता है। इसीलिए उनके नाम में चंगाई है। उनके नाम से अद्भुत कार्य हम कर पाते हैं। उनके नाम काफी है शैतान को भगाने के लिए। कौन कर पाता है कि एक सिर्फ ये समझ ले कि एक आदमी के नाम लेने से लोग डर जाते हैं, शैतान डर जाते हैं, बीमारी डर जाते हैं। हम मिलके गाएंगे कि प्रभु आपकी जैसा कोई नहीं, आपके प्रेम की जैसा कोई नहीं, आपके मुकाबला करने वाला कोई नहीं इस धरती पे और स्वर्ग में, आपके मुकाबला करने वाला कोई नहीं। हम मिलके गाएंगे कि यीशु की जैसा प्रेम करने वाला और कोई नहीं। Okay, just you.
धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम के लिए मैं जीना चाहूं। हम हर दिन हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, पर ये जब मैं कह रहा हूं ये मुझको भी
मालूम है कि मैं भी ये नहीं कर पाता हूँ कभी कभी। और हमारे जीवन में ऐसे वक्त आते हैं कि हम उनके लिए जी नहीं पाते, उनके लिए कुछ कर नहीं पाते। पर आज आपको खुदा पुकार रहा है, क्या तू मेरे लिए जीना चाहता है मेरे बेटे? हमारे दिल की इच्छा ये होना चाहिए कि हर दिन वो हमसे बड़े हो जाए और हम छोटे हो जाए, वो हमारे अंदर बड़े हो जाए और हमारे अंतर की जो इच्छाएं हैं, जो भी खुदा के खिलाफ है, वो नीचे हो जाए, नीचे हो जाए और अंत में वो निष्काल हो जाए। जब हम स्तुति करते हैं उनके बीच में आके वो विराजमान होते हैं। ये है हमारा प्रभु और उनके लिए हम जिएंगे, हम मिलके खाएंगे कि तेरे नाम के लिए हम सब जिएंगे।
मेरे अंदर हर दिन बड़े हो जाए और मैं कम होता जाऊं। और खुदा, ए खुदा, हम आपसे दुआ करते हैं कि तू बड़े, मिलकर एक बार फिर से कहा है कि मैंने अपनी जन से एक नया वचा किया है, वो पुराने वचा जैसा नहीं है और इस वचा में पुरानी तरह नहीं, मेरे जो भी मैं चाहता हूं वो मेरे लोगों के, मेरे बेटों के और मेरे बेटियों के, लोग नहीं, हम बेटे और बेटी हैं, मेरे बेटों और बेटों के दिल में होंगे, ना उनके दिमाग में नहीं, उनके दिल में होंगे उस नई वचा। हम उस नए युग के, हम उस नए वचा के बेटे और बेटियां हैं। आमेन, यीशु मसीह की जय। हम उस नए वचा से प्रभु ने हमको जीवन दान दिया है को इस वक्त जो भी प्रभु चाहते हैं, उनकी इच्छा जो भी है, खुदा ने जो भी हमारे बारे में सपने देखे हैं वो सब हमारे दिल में है। हम अपने मन से उनको समझते हैं पर हमारे दिल में उसको लिख के रखा है ताकि कोई भी शैतान, कोई भी लोग, कोई भी इंसान कभी भी आके हमें उससे छीन ना सके, कभी भी यीशु मसीह से कुछ भी हमें जुड़ा नहीं कर पाएंगे। तो हम एक साथ मिलके उनकी स्तुति करने जा रहे हैं, उनके गुणगान करने जा रहे हैं। वो राजाओं का राजा है, वो मसीह है, वो हमारे जीवन का सहारा है। हम मिलके उनके गुणगान करेंगे। आप ये समझें, चाहे इस दुनिया कुछ भी करे, प्रभु और मुझसे, हम दोनों, प्रभु और मुझे, हम दोनों को जुदा करने वाला इस दुनिया में ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी शस्त्र नहीं है कि जो प्रभु से, उनके प्रेम से मुझे अलग कर सके। पौलुस ने इस प्रकार कहा है कि कोई भी चीज इस दुनिया की मुझे और प्रभु से अलग नहीं कर सकते। हम उनके साथ मिलकर जिएंगे, हमारे जिंदगी के अंत तक एक मिलकर हम उनके साथ जिएंगे। हम उनके वरदान के लिए उनसे मांगेंगे। तालियां बजा के एक साथ, एक साथ मिलकर तालियां बजाएंगे।
करके स्तुति करेंगे, विश्व की गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, विश्व की गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, विश्व की गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, विश्व की गुणगान करेंगे। हो गए राजा हो मसीहा, जैसे पड़क में शांति दिया, एक नदी के पड़क से उतनी बड़ी शांति और स्नेह और समृद्धि से हमारे जीवन को भर दिया। हम उनके नाम की जय करेंगे, सदा उनकी स्तुति हम करेंगे। हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं? यीशु मसीह, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। इस वक्त इतने वक्त तक आपकी उपस्थिति हमारे साथ था, जब आपके वचन से सुनने जा रहे हैं, आपकी दास को अपने हाथों में उठा के अपना क्रिया कीजिए। और जो भी पवित्र आत्मा, जो भी वो जीवित होने वाला वचन, वो जो हमसे कहना चाहता है, हम उनके सुनने के लिए हमारे तन और मन एक साथ सिर्फ आपके ऊपर ही,
हमारा ध्यान रहे। यीशु मसीह के नाम से हम आपसे दुआ करते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष और समृद्धि दे, आमीन।